हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरु माइंडी टैरो। और ये रीडिंग है 20th ऑफ नवंबर से लेके 26th ऑफ नवंबर तक की। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। एट ऑफ सेप्टर्स, सेवन ऑफ सेक्टर्स, क्वीन ऑफ ग्रेव्स, डॉटर ऑफ सेक्टर्स, एंड हर्मिट। तो हमारे पास है क्वीन ऑफ ग्रेव्स। आई थिंक आपको देख के कोई ये सोच रहा है कि आप कितने बदल गए हैं, क्योंकि आपने खुद के लिए सोचना शुरू कर दिया है, क्योंकि आप खुद पर फोकस्ड हो गए हैं, क्योंकि आप अपनी वैल्यू को पहचान गए हैं, और अब आप और ज्यादा रूड बिहेवियर को, या कह सकते हैं कि इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने अपनी बाउंड्रीज को पहचान लिया है, एंड इस पर्सन को ये बात अच्छी नहीं लग रही। ओके, ये पर्सन हो सकता है आपको ब्लेम करे कि आप बहुत सेल्फिश हो गए हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, और सिर्फ अपनी ही बात करते रहते हैं। अब आपको उनसे कोई मतलब नहीं। कोई ऐसा हो सकता है जिससे ऑलरेडी आपका ब्रेकअप हो चुका है, आपको देख देख के सोच रहे हैं कि आपके अंदर तो इंसानियत बची ही नहीं है, आप बिल्कुल भी उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये देखने की बजाय कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, एंड उसके बाद आप आखिर क्यों में इंटरेस्टेड रहेंगे, और क्यों किसी ऐसी चीज को क्लेम करना चाहेंगे जो खुद ब खुद आपके पास नहीं आना चाहती, या जो आपको हर्ट करती है, जो आपकी वैल्यू को नहीं पहचानती। इस पर्सन को ये बात बहुत अटपटी लग रही है कि आप डॉटर ऑफ सेक्टर्स बन गए हैं, ग्लैमरस, पावरफुल, और इस पर्सन को बहुत मुश्किल हो रही है इस सच को डाइजेस्ट करने में। इतनी कि ये पर्सन आजकल दिन भर आपके बारे में सोचता रहता है, काफी ऑब्सेस्ड हो गया है द हर्मिट के साथ, अपने अंदर की उन क्वालिटीज को खोज रहे हैं जो आपको दीवाना बना सके। I mean, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर वो बात ही नहीं है कि वो आपको आपके घुटनों में ला सके, या आपको इमोशनली उनके कंट्रोल में रख सके। ओके, ये पर्सन बहुत टॉक्सिक तरीके अपना रहा है बजाय माफी मांगने के और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के। ये पर्सन चाहता है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे आप ट्रिगर हो। हो सकता है इस वीक में पर्सन आपको जालस भी फील कराने की कोशिश करे। ओके, कि मैं आपसे कम थोड़ी ना हूं, मुझे भी बहुत लोग मिल जाएंगे, एंड मुझे बहुत लोग पसंद करते हैं, मेरे पास कोई लवर है, कोई पार्टनर है, इस तरह की चीजें हो सकती है, और ये बहुत ऑकवर्ड होगा आपके लिए ये सब कुछ देखना। आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन आपको भूल गया है, बट पॉइंट ये है कि ये पर्सन ये सब जानबूझ के कर रहा है आपको ट्रिगर करने के लिए, आपसे कुछ सुनने के लिए। ये चाहते हैं कि आप ऐसा कुछ होते हुए देखें एंड तुरंत दौड़े चले आए। इन्हें कहे कि आप अभी भी उनमें इंटरेस्टेड हैं, उन्हें इस रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, या किसी और को चूज नहीं करना चाहिए। इस तरीके से इन्हें लगता है कि चीजें आसान हो जाएंगी, ना कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मैं बात कर रही हूँ उनकी गलतियों की, और ना ही कोई अपोलॉजी मांगनी पड़ेगी, एंड सफर बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि यही उनकी स्ट्रेटजी है
सेवन ऑफ सेक्टर्स के साथ काफी कुछ ऐसा है जो इस पर्सन के बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अब ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस को देख के बुरी तरह से हिला हुआ है। आई मीन इन्हें लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, इन्हें लगा नहीं था कि आप कभी फेडअप हो सकते हैं इनके नखरों से या इनके इस इग्नोरेंट एटीट्यूड से। इन्हें लगा नहीं था कि आप कभी अपने बारे में सोचेंगे। उन्हें लगा कि वो जो कुछ भी करते जाएंगे वो सब कुछ ओके है, क्योंकि आपको उनकी ज़रूरत है। आप इतने ज़्यादा इमोशनली उनसे कनेक्टेड हैं कि हर बार आप उन्हें माफ़ी करते जाएंगे। आपके दिल बड़े होने का अंदाज़ा तो इन्हें था, क्योंकि आपने पहले भी कई बार इन्हें यूं ही जाने दिया, भले ही उन्होंने अपोलोजाइज किया या नहीं किया, पर उन्हें नहीं पता था कि इसकी भी एक सीमा होगी। आप हमेशा ही ये नहीं कर सकते। एट ऑफ सेक्टर्स के साथ ये वक्त है एक अननोन सिचुएशन में जाने का। आई मीन यहाँ पे आपको लग सकता है कि आगे का कुछ पता नहीं क्या होगा, कोई ट्रस्टेबल आपके लाइफ में आएगा भी या नहीं, पर यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ये सोचना आपका काम है ही नहीं। जो आपके लिए बना है वो आप तक ही आएगा। अपने दिल को फॉलो कीजिए, अपने लिए स्टैंड कीजिए, उन चीज़ों से दूर रहिए जो आपको लगता है कि आपकी पॉजिटिविटी को, आपके सेल्फ वर्थ को हार्म कर रही है, हर्ट कर रही है, क्योंकि पॉजिटिविटी और सेल्फ वर्थ ही स्पिरिट की मदद करती है इस दुनिया में आपको गाइड करने में। एंड वो एक पॉजिटिव एनर्जी है जिससे आपकी स्पिरिट भी स्ट्रांग होती है। तो एट ऑफ सेक्टर्स आपसे कह रहा है कि इस अननोन वर्ल्ड में आगे बढ़ने का समय आ गया है, बस अपने हार्ट को फॉलो करते जाइए। जो मन में आए वो बोलिए, जो मन में आए वो करिए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंस ऑफ सेक्टर्स, सिक्स ऑफ स्कल्स, द लवर्स, फोर ऑफ सेप्टर्स एंड थ्री ऑफ ग्रेल्स। अगर आपके लाइफ में कोई थ्री ऑफ ग्रेल्स सिचुएशन है तो वो रियल नहीं है, वो बस आपको जलाने के लिए क्रिएट की जा रही है। क्योंकि द लवर्स का कार्ड देख रहे हैं आप, ये पर्सन आपसे ही अटैच्ड है, ये पर्सन आपके ही पास रहना चाहता है, ये पर्सन आपकी ही एनर्जी से कनेक्टेड फील करता है। तो अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है या इन्हें कोई नया मिल गया है, ये पर्सन बस ये चाहता है कि आप रिएक्ट करें। फोर ऑफ सेक्टर्स कमिटमेंट के बारे में है, जो आपको मिलेगा। ये पर्सन सोच रहा है कि आखिर कब इन्हें मौका मिलेगा चीज़ों को फिर से ठीक करने का, क्योंकि डायरेक्टली ये अपोलॉजी मांगना नहीं चाहते, डायरेक्टली ये गलती को मानना नहीं चाहते। एंड ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन रहा है इस कमिटमेंट के बीच में, फोर ऑफ सेक्टर्स के बीच में। ये पर्सन आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डालें, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लग रहा है। एंड आप इमीडिएटली उनके पास आके ये कहेंगे कि आपको उनसे शादी करनी है या कुछ और कमिटमेंट के बारे में। ये पर्सन सब कुछ आप ही से एक्सपेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। सिक्स ऑफ स्कल्स के साथ अगर आप वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पर्सन खुद ब खुद आपके पास आएगा, क्योंकि इन्हें आपकी ज़रूरत है। लेकिन फील ये करवाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे आपको इनकी ज़रूरत है, ताकि आप ही सारी चीज़ों को हैंडल कर लें। कुछ वक्त अगर आप वेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पर्सन का ट्रुथ क्या है, क्योंकि प्रिंस ऑफ सेप्टर्स नहीं रह सकता बिना वैलिडेशन के और बिना रियल कनेक्शन के। चलिए देखते हैं आपके लिए और कोई मैसेज क्या है। लेडी पोर्शिया, डिवाइन ऑर्डर, डू व्हाट यू फील इज राइट, एन इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। तो आपसे कहा जा रहा है कि एक इम्पोर्टेंट लेसन आपके सामने आ रहा है। ये लेसन सीखना ही हमारा काम है। जब भी हम
इस लाइफ में आते हैं, तो ये लेसन आपको सीखना पड़ेगा। इनफैक्ट ये आप ही के लिए अच्छा है, और जो आपको सही लगता है वो कीजिए, बस चलते जाइए अपने इंट्यूशन पे, और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ कितने ड्रामेटिक तरीके से बदलती है पॉजिटिव वे में। तो ये है लीडिंग इस वीक की, आई होप आपको अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।